लास्ट पार्ट इसमें कहते हैं y is equal to square root x square minus 1 into x plus 1 divided by x cube plus 1 whole power 3 by 2. पहले बेटा हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हम इसको क्या करना है. पहले से साथ सिंपलीफाई करने के बाद हम इसको लॉग लेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे. x square minus 1 तो हम लिख सकते हैं x plus 1 into x minus 1, क्योंकि इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है. तो a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. साथ में अभी x plus 1 as it is रहेगा. अब रखिए नीचे देखें x cube plus 1 cube, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है. तो बेटा जी हम क्या लिखेंगे, a plus b into a square minus a into b प्लस बी स्क्वेयर. ऊपर बड़ा जी होल हमारे पास 3 बाई 2 है, वो ऐसे लिख देंगे. अब बड़ा जी इसका मतलब है x प्लस 1 की पावर 1 बाई 2 स्क्वेयर रूट है ना ऊपर, साथ में x माइनस 1 की पावर भी 1 बाई 2 जो स्क्वेयर रूट है, साथ में x प्लस 1 आ जाएगा. अब बड़ा जी यहां पर भी x प्लस 1 के ऊपर 3 बाई 2 लागू हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू है x square minus x plus 1 इसके ऊपर पावर 3 by 2 अलग हो जाएगी. अब देखिए बेटा जी x plus 1 की पावर 1 by 2 और ये x plus 1 की पावर 1 दोनों पावर से ऐड हो जाएगी 1 by 2 plus 1. बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास x plus 1 की पावर 3 by 2 साथ में जी x minus 1 की पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 3 बाय 2. ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारे पास सॉरी नीचे ये भी है बड़ा x प्लस 1 की पावर 3 बाय 2. बेटा देखिए जरा ये 3 बाय 2 है, ये 1 बाय 2 प्लस 1 क्या होगी ऐड हो गया 3 बाय 2 होगी. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट. बेटा ये x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2. अब देखिएगा x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा. बाकी हमारे पास बेटा जी y क्या बचेगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2. अब यहां से आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों का डायरेक्ट डायरेक्ट ले लें और क्वेश्चन रूल लगाएं, लेकिन उससे आसान यह है कि आप पहले लॉग ले लें. आसानी के लिए पहले क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. जब बोथ साइड आप लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा जी, log of y is equal to log of x minus 1 की पावर 1 by 2 divided by x square minus x plus 1 की पावर 3 by 2. अब बेटा जी log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम ये करेंगे दोनों फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट लग लगा देगा, दोनों फंक्शन के साथ लॉग अलग अलग आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा. लॉग ऑफ एक्स माइनस वन की पावर वन बाई टू माइनस लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू बना दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाई टू. लॉग की प्रॉपर्टी ये भी होती है, लॉग के आगे जो फंक्शन है उसकी कोई पावर हो तो पावर पहले आ जाती है. लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन माइनस पावर पहले 3 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब बेटा जी हम लोग डायरेक्ट लेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. और जब डायरेक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर y इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू ये बेटा जी 1 बाई 2 तो बाहर रहेगा, 1 over x minus 1 into derivative of this function minus 3 by 2 into log क्या क्या function है, 1 over that function into derivative of
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा जी वन ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, और बेटा जी वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स का नेगेटिव वन और वन का नेगेटिव जीरो, हमारे पास वन माइनस थ्री बाई टू इंटू वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, स्टार्ट में हम टू कॉमन ले लेते हैं, तो बेटा जी क्या होगा हमारे पास, वन ओवर टू कॉमन ले लिया, अगर वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब बेटा जी इसको हम फटे यहां पर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी वन ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 by 2 अंदर एक्चुअली ले लेंगे बेटा जी, तो क्या होगा हमारे पास ये x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बेटा ये इसी समय नहीं हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये माइनस थ्री टाइम्स टू एक्स माइनस वन, इसके साथ ये x माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वन। अब देखिए मैंने हमारे पास ये क्या बनता है, वन ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू, बेटा हमारे पास नीचे एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देखिए मैं ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता बेटा जी टू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन। अब बेटा जी वन ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, नीचे तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, तो बेटा जी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन माइनस थ्री टू आर सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ये माइनस टू एक्स और माइनस वन एक्स, क्या हो जाएगा बेटा जी हमारे पास माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री एक्स इट विल बी प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री। अब बेटा जी ये वाई डिवाइड हो रहा है उस तरह जाते मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू वाई, अंदर देखिए बेटा जी माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा जी, अब वाई की वैल्यू जब रिप्लेस करनी है हमने, वाई की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास वो गिवन क्वेश्चन में है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू वाई के बेटा वो वैल्यू पुट करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन की पावर थ्री बाई टू इंटू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब बेटा जी देखिए जरा ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ऐसे स्टूडेंट्स एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, और बेटा जी साथ में जैसे हमने या बल्कि बेटा जी वाई हमने ये निकाल दिया हुआ था, हम वाई की ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं, हम वाई की ये वाली वैल्यू ही हमने सॉल्व करने के बाद निकाली हुई थी एक्स माइनस वन की पावर वन बाई टू और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाई टू, हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं वाई की ताकि हमें आसानी रहेगी, हमने सॉल्व किया हुआ ना सॉल्व करके हमने वाई की वैल्यू निकाली थी, तो बेटा हम वाई की ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं x माइनस वन की पावर वन बाई टू और नीचे बेटा जी
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाई टू। अपने देखिए जरा x माइनस वन की पावर वन बाई टू और ये वन है, वन बाई टू नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगी ये पावर वन माइनस वन बाई टू, इट विल बी इक्वल टू प्लस वन बाई टू। ठीक है बेटा जी, तो इट मींस हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा ऊपर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू, और नीचे देखिए बेटा जी टू टाइम्स x माइनस वन की पावर ये वन है, ऊपर नीचे आई तो मान तो नेगेटिव, इसका मतलब है x माइनस वन की पावर वन बाई टू और ये x स्क्वायर माइनस x प्लस वन की पावर थ्री बाई टू, ये पावर वन है, x स्क्वायर माइनस x प्लस वन की पावर थ्री बाई टू प्लस वन। अब रजी इसे जरा तरतीब से लिख ले, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा हमारे पास ऊपर से यही रहेगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू, नीचे टू टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, और बेटा जी ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाई टू प्लस वन विल बी इक्वल टू फाइव बाई टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर फाइव बाई टू। बेटा ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर टू के तमाम पार्ट खत्म हो गए बेटा जी, इसको बेटा जी नोट कर लीजिएगा प्लीज।